केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार शाम रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ आया हूं। कई कंप्लेन आई है, कंप्लेन को लेकर जांच भी कराई गई। 65,000 मैट्रिक टन अनाज की गड़बड़ी सामने आई थी, उसी आधार पर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी भी जारी की गई। पीयूष गोयल ने अधिकारियों के निर्देश देते हुए कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए, यहाँ के राइस मिल्स का निरीक्षण कर जाँच करे और मिलिंग में गड़बड़ी की आशंका पर जांच कर कार्रवाई भी करे। हाल में ही मुझे एक पत्र भेजा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। मुझे थोड़ा आश्चर्य आया वो पत्र देखकर। उन्होंने लिख के भेजा कि इस वर्ष राज्य सरकार लगभग 1.5 गुना, मार्क करिए आप सब, लगभग 1.5 गुना चावल खरीद के केंद्र सरकार को देगी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। मैंने अपने रिकॉर्ड्स निकाले, रिकॉर्ड्स में जो राज्य सरकार ने पत्र लिखा केंद्र सरकार को, जो 3 अगस्त 2023 का यहाँ के फूड सेक्रेटरी का पत्र हमें मिला, उसकी हमने जानकारियाँ निकाली और देखी, तो मालूम पड़ा है इस पत्र के हिसाब से जो पिछले वर्ष 2022-23 में पैडी बनना था, अनुमानित था 138 लाख टन, 2023-24 में घट के 138 से घट के 136 लाख टन हो जाने वाले। तो पैडी तो घट रही है केंद्र राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में, और मुख्यमंत्री मेरे ऊपर पत्र लिख रहे हैं कि आप लगभग 1.5 गुना चावल हमसे खरीदिए, जो पिछले वर्ष उन्होंने कहा था हम 61 लाख टन देंगे, अब लिख के भेजा कि आप हमसे 86.5 लाख टन चावल लीजिए, हम देंगे। मैंने कहा आपका ही पत्र कह रहे हैं कि आपका पैडी तो घटने वाला है और आप कह रहे हो आप 1.5 गुना दोगे। फिर हमने और गहराई में गए, गहराई में जाके तो आश्चर्यजनक स्थिति निकली। आश्चर्यजनक स्थिति ये निकली कि पिछले वर्ष पहले उन्होंने कहा कि हम 61 लाख टन देंगे चावल का, बाद में वो 61 लाख को घटा के राज्य सरकार ने कह दिया हम सिर्फ 58.65 लाख चावल देंगे। और आज की स्थिति भाइयों बहनों, आज की स्थिति जो 13 सितंबर तक की है, 13 सितंबर तक की स्थिति बताती है कि 58 बोलने के बाद भी अभी तक मात्र 53 लाख टन चावल का राज्य सरकार हमें दे पाई है। और समय खत्म होने जा रहे हैं 30 सितंबर तक। वैसे तो हर वर्ष ये बढ़ा देते हैं अपना समय, और केंद्र सरकार कभी कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं करती। हर वर्ष इन्होंने कहा मैं बढ़ा के दीजिए, हमने समय भी बढ़ा दिया, लेकिन वास्तु स्थिति यह है कि समय बढ़ाने के बाद भी ये जो क्वांटिटी कहते हैं ये दे नहीं पाते। हमने हाल में पिछले 8-10 दिनों का भी डेटा निकाला, हमारे FCI के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साथ में ही है, अब कोई ज़्यादा चावल आ नहीं रहा है, लगभग ना के बराबर चावल आ रहा है। तो पिछले बार 61 लाख प्रॉमिस किया, एग्री किया, फिर बाद में घटा दिया 58 लाख, और अब तक 53 लाख ही दे पाए। और खुद का जो उनका लेटर है वो कहता है कि पैडी तो इस वर्ष और घटा है। ये दिखाता है कि कैसे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से झूठ और फरेब से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, असत्य जनता के सामने रख रहे हैं। जब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार को हम कह रहे हैं आप 86 लाख मैट्रिक टन हम धान देंगे और केंद्र सरकार 61 लाख लेने को तैयार है,